देवास में नर्सिंग ऑफिसर को निलंबित करने के विरोध में हड़ताल पर जाने की सूचना को लेकर कलेक्टर महोदय को दिया ज्ञापन। ज्ञापन में बताया कि मधु वर्तवाल जो कि ANC वार्ड में कार्यरत हैं, जिन्हें बेवजह निलंबित किया गया है। हम सभी नर्सिंग स्टाफ इसका विरोध करते हैं क्योंकि मधु वर्तवाल की कोई गलती नहीं है। उनके द्वारा मरीज एवं उनके परिजनों से पैसों की कोई वार्तालाप नहीं हुई है और न ही नर्सिंग ऑफिसर को रेफर करने का अधिकार है। यह अधिकार डॉक्टर एवं सेकेंड क्लास ऑफिसर का अधिकार है। जब ये बात हो रही थी तब RMO स्वयं वार्ड में उपस्थित थे। ज्ञापन में मांग की है कि पुनः विचार करते हुए जो दोषी है उन पर कार्यवाही करें, अन्यथा निलंबन के विरोध में हड़ताल पर जाने के लिए विवश हो जाएंगे। जिला चिकित्सालय देवास में 7 तारीख को एक मतलब प्रसूता पेशेंट आया और शाम के टाइम पे 5:30-6 बजे के आसपास उसने मतलब डॉक्टर को चेकअप करा के जब लेबर रूम में गए तो सिस्टर ने उसको जांच करके भर्ती करने की कार्रवाई प्रारंभ की। उसके बाद ये हुआ कि मतलब उसका सीजर होना करना पड़ेगा, डॉक्टर वर्मा के द्वारा बताया गया। किंतु सीजर उस कंडीशन में होता है कि भाई अगर एनेस्थेसिया है, डॉक्टर के द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया कि यहाँ पे बेहोश करने वाला डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, सर उसकी व्यवस्था करा दे तो हम उसका सीजर कर देंगे। जबकि वहाँ एक जोशी करके मतलब डॉक्टर एनेस्थेसिया वाले हैं, उनको टेम्परेरी चार्ज लेके भेज दिया गया। अगर वो चाहते भाई CMO अगर चाहते तो उसको बुला के और बेहोशी की कार्रवाई करा सकते थे। CMO खुद भी मतलब एनेस्थेसिया डॉक्टर है, अगर उन्होंने पेशेंट की भावना अगर होती कि पेशेंट को किस प्रकार से इलाज दिया जाए या सेवा करने की भावना होती तो CMO अपनी कुर्सी से आके उसको बेहोश करा के उसका ऑपरेशन करा सकते थे। हेलो, आपने किस मांग को लेकर अभी दिया गया? अभी हमने जिन हमारे कर्मचारियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है और एक हमारी कर्मचारी को जो निलंबित किया गया है उसको तत्काल बहाल किया जाए, अन्यथा और जो कार्रवाई है उसे स्थगित की जाए। साथ ही अगर ये चीज़ अगर नहीं होती है तो कल से जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हमारे हैं, जो हमारी महिला कर्मचारी नर्सेस हैं, वो कल से उनका हड़ताल पर जाने का विचार है, संभवतः कल से हड़ताल पर जा सकती है। जी, आज हम लोग सभी नर्सिंग ऑफिसर इसलिए इकट्ठे हुए कि हमारे जो ANC वार्ड में एक मधु वर्तालाप करके सिस्टर की पोस्टिंग है उसे बेवजह उसे निलंबित कर दिया गया, जबकि ये वजह किसी को भी पता नहीं कि उसको निलंबित आखिर किया क्यों गया है। उसके ऊपर बेवजह का आरोप दिया जा रहा है कि उन्होंने पैसों की मांग की या उन्होंने रेफर किया, जबकि रेफर का अधिकार हमारे नर्सिंग ऑफिसर को है ही नहीं, वो फर्स्ट क्लास ऑफिसर एंड सेकेंड क्लास ऑफिसर को है। इस वजह से उसे निलंबित किया गया है जिसका कारण हमें किसी को भी पता नहीं है। इसलिए हम ये शासन से ये पूछने आए हैं कि उसे आखिर क्यों किया गया है और उसे यदि तुरंत अभी बहाल नहीं किया जाए तो हम आगे चल के हम हड़ताल पर जा सकते हैं। ये सूचना देने के लिए हम यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में आए। आज हम कलेक्टर ऑफिस को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए। आप क्या मानते हैं कि निलंबन करा गलत करा गया? बिल्कुल गलत करा। आपको पता नहीं सच्चाई क्या है और आप सिर्फ नाम के आधार पर उसको करते हैं, आपको ये भी नहीं पता है वो व्यक्ति है कौन और आपने उसे निलंबित कर दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप पहले सच्चाई पे तो जाइए, क्या सच क्या है? ना ही उसको पूछा गया है, ना उसको खुद को पता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसको खुद को भी पता नहीं है। तो आप कम से कम उससे पूछिए तो कि उसमें हुआ क्या, उस वार्ड में आखिर बात क्या हुई है। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।